हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निक टैरो 3 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, अगर देखिए आपके पार्टनर की जो फैमिली है अगर वो इस कनेक्शन के लिए नहीं मान रही हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ से जानेंगे कि आगे नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, क्या ये फैमिली इशू जो है ये रिजॉल्व होगा, ये ख़त्म होगा। तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो सीधे सीधे ये है कि आपके पर्सन की फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अब चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप उनके साथ अभी आपकी शादी नहीं हुई है या आपकी शादी हो चुकी है बट डिवोर्स की बात चल रही है बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड इवन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि आप जिस भी सिचुएशन में हो और अगर आपके पर्सन की फैमिली आपको नहीं अपना रही है या फिर वो नहीं चाहती कि आपकी उनसे शादी हो या फिर वो नहीं चाहती कि ये कनेक्शन दोबारा से बने, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा आपको कि क्या वो इस कनेक्शन के लिए मानेंगे या नहीं, क्या ये फैमिली इशू ख़त्म होगा या नहीं, या फिर ये इशू चलता रहेगा। और अगर यहाँ पर आता है चलता रहेगा तो हम टाइमिंग जानेंगे कब तक, और अगर ये आता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा तो भी हम टाइमिंग जानेंगे कब तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं। गाइस इट्स जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सभी साइंस के लिए, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जो पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आप पर, जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे वो आपके लिए नहीं है। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, उनकी फैमिली की तरफ से आपके लिए। The Empress, okay, Libra. एक सेकंड गाइस, हमारे पास एक कार्ड आया तो है, ये रहा जजमेंट। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, द एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों ही सेम कपल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, The Fool, okay, Eight of Swords, and bottom of the deck we have the Hanged Man. So we have Libra, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, and Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries. We have special. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, and Aquarius, and Gemini, Libra, Aquarius, and Pisces, we have special, okay? ये कुछ साइंस यहाँ पर हैं, बाकी सभी साइंस हैं यहाँ पर, ओके? एंड अगर आपके साइन यहाँ पर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, तो सभी साइंस यहाँ पर हैं। और हमारे बर्थ चार्ट बहुत बड़े होते हैं, उनमें सभी साइंस होते हैं, ओके? सो पहला ही कार्ड मुझे दिखा रहा है दी एम्प्रेस की। यस, इनकी मॉम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों की लाइफ में, ठीक है? इनकी जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, क्योस क्रिएट किए हैं उन्होंने लाइफ में, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। मे बी उनकी जो फैमिली है वो एक फैमिली इशू की वजह से आपसे दूर हुए हैं, उनकी फैमिली की वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, बट उनकी मॉम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, और उनकी मॉम की वजह से ही वो पर्सन अभी आपसे दूर है, आपके साथ नहीं है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं, आपके साथ चैट नहीं हो रहा है उनका, वो आपके साथ नहीं है इस टाइम पर बिकॉज ऑफ हिज मॉम और हर मॉम, ओके? तो यहाँ पर मॉम का जो है बहुत बड़ा रोल प्ले चल दिख रहा है हमको। तो डेफिनेटली गाइज, इनकी जिस भी वजह से आपकी लाइफ में अब क्योज आया, प्रॉब्लम आई, और जो प्रॉब्लम आई उस वजह से आपकी लाइफ में सेपरेशन है, ठीक है? बट गॉड ने तो कुछ अलग ही सोच रखा है आपके लिए। तो जहाँ पर जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, तो वो क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि आपकी मॉम ने, या फिर आपके जो भी, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं बड़ी, ठीक है, या उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर उनकी मॉम हो सकती है, या उनकी कोई आंट हो सकती है, कोई भी यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है पर्सन, बट मुझे यहाँ पर मॉम की वाइब ज़्यादा गेट हो रही है, तो मैं मॉम बोल रहा हूँ इसलिए। बट यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनकी मॉम ने, या उनकी सिस्टर ने, या उनके किसी एल्डर वन ने
उनकी लाइफ में क्योस क्रिएट किया है, एंड देन अब जजमेंट जो है वो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस गॉड कुछ ना कुछ जजमेंट करेंगे, गॉड कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, जिस वजह से एक एक्शन आएगा आपके पर्सन की तरफ से और आपके पर्सन बात करेंगे अपनी फैमिली से, अपने फादर से आपके लिए. ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि यस आप इस फैमिली में या तो बहू बन के गए थे या फिर आप इस फैमिली में चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से बने और आगे चल के आप इस फैमिली के साथ जुड़ना भी चाहते हो, शादी भी चाहते हो. बट यस मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं जब गॉड का जजमेंट आएगा तो आपके पर्सन बात करेंगे अपने पेरेंट से, मतलब अपने फादर से आपके लिए, और वो समझाएंगे उनको हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ को कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या सिचुएशन है. क्योंकि बिकॉज देखिए अभी गॉड के जजमेंट का तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जजमेंट के बाद ही कुछ एक्शन आएगा और एक्शन क्या होगा वो यही होगा कि ये पर्सन आपको चुनेंगे और आपके लिए ही अपने फादर से बात करेंगे, अपने फादर को हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, क्या क्यों, किस लिए, क्या सिचुएशन है. वो सब कुछ बताने के बाद इनके फादर आपके घर पर इनके साथ या तो एक ऑफर लेकर आ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे पर्सन वापस तो आ रहे हैं, वापसी तो है इस पर्सन की, वापस आ रहे हैं आपके पास. ठीक है, तो डेफिनेटली गाइस जजमेंट का वेट करो. जजमेंट आपकी लाइफ में आते के साथ ही डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, आपके पास वापस आएंगे एक ऑफर लेके, क्योंकि यहाँ पर भी वापसी का कार्ड है और आपकी तो विश यही है कि ये पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में, आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए. तो आगे भी देखिए रिकन्सिलिएशन है, बट आगे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अभी जजमेंट नहीं हुआ है, तो जब तक जजमेंट नहीं होगा आप इन प्रॉब्लम से घिरे रहोगे, आपके आपके आसपास ऑब्स्टिकल्स बने रहेंगे आपकी लाइफ में. शायद मे भी ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स बना के रखती हैं वो लेडी, जो भी जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में सेपरेशन आया या फिर बहुत ज़्यादा आप पर रोक टोक लगाई जाती हो, ये भी हो सकता है. तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा अभी भी जूझना पड़ेगा, बट कोई नहीं, अभी थोड़ा सा डिले है आपकी लाइफ में, तो आपको ये डिले फेस करना पड़ेगा, इस जजमेंट का वेट करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है. ठीक है, ये रिकन्सिलिएशन हो जाएगा आपकी लाइफ में, बट आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा. अब वो वेट कितना टाइम का होगा वो तो हम एंजल्स ही बता सकते हैं, तो आपको एंजल गाइडेंस तक वेट करना पड़ेगा, पूरी रीडिंग को देखना पड़ेगा. ओके, वी हैव नंबर 5 ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस. तो यस ऑब्स्टिकल्स तो हैं, चैलेंजेस तो हैं जिन्हें आपको पार करना है, जिनसे आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे निकलना है. वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट में आगे बढ़ना है, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, एक पॉजिटिवली आगे तो चलना ही पड़ेगा, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा. अगर आपकी लाइफ में डिले है तो आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है, आपके पर्सन इन ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से लड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा आगे चल के, अपने इंट्यूशंस को सुनते रहो, आपके पर्सन भी अपने इंट्यूशंस को बहुत सुन रहे हैं इस टाइम. वाओ, वी हैव यूनिवर्स. तो मैंने कहा ना जजमेंट आएगा गॉड का, यूनिवर्स आ चुके हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ आगे चल के पॉजिटिव होने वाला है, एक लाइट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, तो ये लाइट आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत लाइट होने वाली है. तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण, ये सब कुछ लेकर आएंगे. तो आपको भी पेशेंसली देखिए रहना होगा, पेशेंस रखने होंगे, पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो. क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा डिले है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन पर, और आपको जजमेंट का वेट करने की ज़रूरत है. तो गॉड को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, उतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करो, ताकि वो आपके लिए फटाफट से जजमेंट कर दें. ओके, क्योंकि देखिए अगर आप अपने लिए अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे तो गॉड आपकी हेल्प कैसे करेंगे. वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल. तो यूरियल आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो दे ही रहे हैं आपको, मतलब मेरे को लगता है कि यूरियल यहाँ पर आपका माइंड, आपका क्राउन चक्र ओपन कर रहे हैं, आपको नॉलेजेबल बना रहे हैं, आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. देखिए यूरियल यहाँ पर, ओके, तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपको भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी चाहिए अपने लिए, ताकि आप हर एक चीज़ पा सकें. वाओ, वी हैव विक्ट्री. तो आपको ये विक्ट्री मिल सके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन के अंदर, तो आपको विक्ट्री मिल जाएगी, बट आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी हैव 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, आपका 3rd आई चक्र ओपन कराएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको एक स्पार्क लाएंगे आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में एक खुशनुमा पल लेकर आएगा. एंजल ऑफ लव आपके साथ है, और देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो आपका बन चुका है, ये भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट तो आपका बना ही रखा है. वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो इस पर्सन ने आज भी अपना हार्ट आपके लिए रोक रखा है, आप ही को अपना दिल देनी है आगे. बिग हैप्पी चेंज, तो बिग हैप्पी चेंज आ जाएंगे गाइज आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंज जरूर आएंगे, बट अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. मैंने कहा ना थोड़ा सा वेट है, हर एक चीज को रिकंसिडर करने की जरूरत है आपको.
फ्यू वीक्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. तो फ्यू वीक्स में आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा गॉड की तरफ से. यस डेफिनेटली मिलेगा. कुछ लोगों के लिए ईयर फ्रॉम नाउ भी हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए फ्यू वीक्स हैं और कुछ लोगों के लिए ईयर फ्रॉम नाउ है. पर रिकवरी है इस कनेक्शन की, रिकवरी हो जाएगी. यस फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, सब कुछ हो जाएगा. अभी आपके चेंज भी आएंगे बट थोड़ा सा वेट है. हर एक चीज़ को दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. कुछ फ्यू वीक्स का भी वेट है कुछ लोगों की लाइफ में, और कुछ लोगों की लाइफ में ईयर फ्रॉम नाउ का भी वेट है. तो ठीक है, तो गाइज ये है आपकी आज की रीडिंग. पर यस अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़ा सा स्टॉपेज है, थोड़े से पॉजेज हैं जिनको आपको अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू हटाना होगा. ऑन ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को अगर आप करते हो अच्छे से मैनिफेस्ट, तो डेफिनेटली ये फैमिली आपको अपना लेगी. सो गाइज ये है आपकी आज की रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर.